हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोआर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने लैब असिस्टेंट में बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसका हमने पार्ट टू पढ़ लिया था। आज हम पार्ट थ्री पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 3। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं, उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एक मीन है? तो आपका उत्तर होगा फ्लाइंग फिश। अगला सवाल है कि संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो आपका उत्तर होगा मछली की। अगला सवाल है, शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा ये सभी। अगला सवाल है, नरसंस प्राणी कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा कछुआ। अगला सवाल है कि सबसे विषैला सर्प है? तो वह है करेत। अगला सवाल है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा किंग कोबरा। अगला सवाल है, हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है? वह है डायनासोर। अगला सवाल है, विषैली छिपकली कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा हिलोडर्मा। अगला सवाल है, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो आपका उत्तर होगा नेवला। अगला सवाल है, समुद्री सर्प को कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा हाइड्रोफिश। अगला सवाल है, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। तो आपका उत्तर होगा त्वचा से। अगला सवाल है, पक्षियों की हड्डियां होती हैं? तो आपका उत्तर होगा वातिल। अगला सवाल है कि मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा कीट वर्ग से संबंधित है। अगला सवाल है कि मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है? तो आपका उत्तर होगा बाह्य। अगला सवाल है, टिड्डी क्या है, क्या होती है? तो आपका उत्तर होगा कीड़ा होता है। अगला सवाल है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा हेपेरिन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से वही मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो किसका महत्व है? डाइटम का। अगला सवाल है, मैमथ पूर्वज है? तो आपका उत्तर होगा हाथी का। अगला सवाल है कि फिरोमोन्स पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा कीटों में। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मछली है? तो आपका उत्तर होगा व्हेल शार्क। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो आपका उत्तर होगा मकड़ी। अगला सवाल है कि पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू है, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो आपका उत्तर होगा एकिडना। अगला सवाल है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो आपका उत्तर होगा वातक तंत्र से। तो दोस्तों, आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।